मतलब कितने टाइम से देख रहा हूँ 10-12 पेजेस के नोट्स बना दिए, कितने वीडियोस देख लिए अंगिनत, नाउ द टाइम हैज कम, अब ये टेक्निकल काम करके फिर मेरे को एक्चुअल में स्ट्रीम में क्या करना है वो प्रिपेयर करना है। BTS हेलो ब्लॉग, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? ब्रेकफास्ट में खाए जाने हैं जी मटरा कुलचा, आप दिख रहा है लजीज टेस्ट और चाय की ऐसे वो धुए उतर रहे ना, और बाहर भी आज मौसम ऐसे बादल बादल हो रखा है ना, नीचे मटरा कुलचा ले, हाँ नीचे मटरा कुलचा लेके आया ना, बूंद 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 बारिश कर रही थी, टिप 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 टिप, डोंट ट्राई। चलो दोस्तों खाना खाते हैं, वीकेंड स्पेशल खाना, और फिर आज लाइव स्ट्रीम की फुल तैयारियां करनी है, नोट्स बनाए जा रहे हैं, बढ़िया लाइव स्ट्रीम हो होपफुली। मटरा कुलचा, आई लव दिस मटरा कुलचा, आज हैवी लग रहा है ना थोड़ा। सिनेमन पैनकेक्स, अच्छा एक बार डाल देता हूँ ना, कैसे लाए थे तुम? मैं वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था ना, नहीं मतलब वो लाइव स्ट्रीम कर तैयारी कर रहा था, वो गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया, रुको ये ऐसे था, अच्छा करो करो। गाइस अभी 3 घंटे में लाइव स्ट्रीम है, मुझे बड़ा ऐसे डर सा लग रहा, पता नहीं कैसा सा होगा, इसलिए मैं बहुत सारी तैयारी कर रहा हूं। इसलिए मैं ले आई क्योंकि कुछ खाया नहीं है पंगा था उससे। हां आफ्टर ब्रेकफास्ट, ओके क्या क्या है ये? हां जी सिनेमन पैनकेक्स, काफी फ्लफी है ना, बहुत एगलेस है, और इसके साथ में ये मेपल सिरप और बटर क्रीम डाली हुई है, और ये फ्रेश कीवी ऑरेंज जिंजर व्हाटएवर। अच्छा फ्रेश कीवी है, ऑरेंज भी फ्रेश है। ओह अच्छा, अभी इसको पहले टेस्ट कर लो कुछ ऊपर नीचे, मैंने टेस्ट भी नहीं किया और लाइफ में पहली बार बनाई है, सो आई डोंट नो, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। इज इट मिसिंग कुकुम्बर? ओह अच्छे है, सही में ये तो मैं अपनी स्ट्रीम में भी पी सकता हूँ। ओके फिर भी तब फिर से बना लाऊंगी। सही है, अच्छी है। यार कुकुम्बर मेरे को पता नहीं था, घर में नहीं रखा, मैं गाना भूल गई है ना, वेरी नाइस टेस्टी, इट्स एक्चुअली मोर रिफ्रेशिंग देन मोटो। हां इसमें क्या डाला है? फ्रेश बेस किसका है? फ्रेश ऑरेंज जूस, फ्रेश कीवी और पुदीना और जिंजर एल। जिंजर एल, ओके नाइस, वेरी नाइस। और ये फ्राइज, ओके ओके चलो खाओ। देखो आज इनका मसाला ठीक होगा। कमाक्षी बोल रही व्लॉग बंद करो, मैं प्लेट रखूं, बहुत भारी है। हां है ना, बहुत भारी। ओके अभी तो हाँ, ये मैं स्ट्रीम में पहनने वाला हूँ, ये करण ने मेरे को दिया था बहुत सालों पहले। आज मैं ना ये रिमोट ढूंढ रहा था, ये RGB लाइट्स को ना कंट्रोल करने के लिए, ये देखो इसको अब मैं नहीं, इसको नहीं कर सकता, इसको नहीं छोड़ सकता, इसको छोड़ सकता हूँ, इसका ऐसे कलर हो जाता है, ऐसे कलर हो जाता है, तो ये इसी रिमोट से होता है कलर चेंज। तो ये ढूंढ रहा था, ढूंढते मुझे ये मिला, मैंने बोला चलो आज ये पहनता हूँ। गाइस कुछ अलग अलग करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, तो वही चल रहा है, मुझे एक पैसे का नहीं आइडिया कैसे स्ट्रीम व्रीम करते हैं, क्या करते हैं। अब मैं सारे मतलब कितने टाइम से देख रहा हूँ 10-12 पेजेस के नोट्स बना दिए, कितनी वीडियोस देख ली अंगिनत, नाउ द टाइम हैज कम, अब ये टेक्निकल काम करके फिर मेरे को एक्चुअल में स्ट्रीम में क्या करना है वो प्रिपेयर करना है। BTS हाँ जी, कैसा रहा लाइव स्ट्रीम देखा आपने? बहुत बढ़िया था, नाइट आई एंजॉयड, पूरे 2 घंटे कैसे बीते पता भी नहीं चला मेरे को, मजा आया मेरे को तो करने में। यार वो वीजा डायरेक्टर है यार, को मेरा वो लास्ट वाला बता, मैं अभी तुम क्या फोन लेके आए, इससे पहले मैं जाके वो गाली गुलेट खा के आई। अच्छा था पापा, मेरे को तो मजा आया करने में लाइव स्ट्रीम, फुल टाइम पास होता है। नाइस मम्मा, देखा आपने थोड़ा? ओह वेरी गुड, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ट्राई करी कोशिश करने की, बहुत नाइस, वेरी नाइस। 2 घंटे कैसे नहीं रहा मेरा तो वो लास्ट, वो किसी ने चैट में लिखा ना भाई जल्दी से टेस्ट कर, ये पिज्जा देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मंगाया भी पहली बार है और फर्स्ट टाइम करा, बड़े बड़े यार बहुत अच्छी खुशी। जब एक्चुअली क्या है ना, लाइव स्ट्रीम देखते हो ना तो पता नहीं चलता इतनी हार्डवर्क लगता है, किसी ने आज चैट पे लिखा भाई एडिटर छुट्टी पे था कि आपने वीडियो बना ली, मैं नहीं भाई इसमें बड़ा एफर्ट, क्योंकि एक्चुअली मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी ना इसकी, पूरा दिन लगा फर्स्ट टाइम करा, और
kudos to you, you did a hard work. मेरे को लाइव स्ट्रीम एंड करनी ही नहीं आ रही थी, कैसे करते हैं, कौन सा बटन दबाओ बंद करने के लिए. बहुत पहले करते थे हम. हाँ वो पर वो लेकिन वो इस लेवल की नहीं करी ना कभी, इस लेवल की कभी नहीं करी. पूरा प्रोफेशनल था कल से ही, तो बड़ा एक्साइटेड था. मैं तो एक हफ्ते से इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ. सैटरडे फन वीडियो ब्लॉग. और मेरे हिसाब से यू कैन डू एटलीस्ट इफ नॉट मोर एटलीस्ट वन इन ए मंथ यू कैन डू. हाँ मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट प्यारे प्यारे सब लोग कमेंट कितने प्यारे प्यारे हैं. अरे लोग यही बोल रहे थे कि एवरी वीक इट वाज वेरी एंगेजिंग. अच्छा था. एंगेजिंग ठीक था. जब आप वो लाइव स्ट्रीम में देख रहे थे बी राइड में, मैंने पता वीडियो से पहले भी पूछा था कोई सर्विस बीच में चाहिए होगी तो मैं थोड़ा सा ना बाल ठीक कर लूँ. अरे यार मैंने बोला, मैंने एक्चुअली सोच रहा था कि ना वो बार बार बी राइड बैग डाल रहा, तो लोगों को लगे क्यों बी राइड बैग डाल रहे. तो एक बार ट्रैवलिंग देख रहा हूँ, मैंने सारे सीन्स वीन्स डाल के रखे थे. होमली फील आती ना भाई जी, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट और प्रोफेशनल. पर आपने वो देखा था वो सारे सीन्स डाले थे, बी राइड बैक, इंटरवल सारा. नहीं और इंटरमिशन वाला भी बहुत अच्छा था. गुड जॉब, गुड जॉब. अलग ही दुनिया है लाइव स्ट्रीमिंग की. चलो सबसे बड़ी बात, बंदा सीट पे नहीं, सबसे बड़ी बात कि गेमर्स को कैसी फीलिंग आती है. हां वो वैसी वाली फीलिंग है. सबसे बड़ी बात, यू हैव डन एटलीस्ट 4-5 कॉन्सेप्ट जो पायनियर है. अब लोगों को ऐसे लगेगा यू आर इनटू दिस फूड बिजनेस फॉर लास्ट 8 ईयर. कोविड के टाइम पे तूने पायनियर वाला वो करा था कि उस तरह से नई नई चीजें ट्राई करते रहनी चाहिए. ये वाला ये आई थिंक मैंने अभी तक, मैं भी देखता रहता हूँ काफी कुछ, ये किसी ने नहीं करा. तो इन दैट केस यू आर पायनियरिंग दैट थिंग इनटू इट. अब डिजी फैमिली बताएगी उनको कैसा लगा, और देखना होगा. चलो ओके ओके चलो ओके. पाइनएप्पल वाला पिज्जा मैं वही खाऊंगा. ये रहा पाइनएप्पल. और यार ये वाला पाइनएप्पल वाला पिज्जा बोरिंग था ना. हाँ प्लेन वाला ओके था. ये मैंने अभी भी इसका हाफ स्लाइस काट काट करके टेस्ट किया, अच्छा है. ये इसका अच्छा होता है होली का. मैंने यही वाला मंगवाया था शायद पाइनएप्पल. अच्छा आपने खा रखा है ये? हाँ ओके. मैंने नहीं खा रखा, फर्स्ट टाइम खा रहा था. अच्छा था. थोड़ा सा इसको हम वो करेंगे. भाई यार भाई सही है भाई, दो घंटे की लाइव स्ट्रीम है ऑलमोस्ट. हाँ दो घंटे हो गए पूरे ऑलमोस्ट. हाँ बढ़िया यार, मतलब राइट नाइस. काफी लोगों ने अच्छे से रिस्पॉन्स करा भी, अच्छे से बढ़िया हो गया. हाँ. ये होते नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए. ट्राई करते रहने चाहिए जो जनता को पसंद आए. बताए हमारी डीजी फैमिली, हमारी डीजी फैमिली बताए जो जो उनको और देखने का मन है वो बस. ये भी पूछ लो अगर अगली देखते हैं तो उस पे क्या खाना देखें. ये भी डिश भी. हाँ क्योंकि पूरा एफर्ट लगता है उसमें डिश की रिसर्च भी करने में. ऑडियंस कहते छोले भटूरे मजे ही मजे मजे ही मजे. आजकल ना मेरी फेवरेट फैसिनेशन हो गई है कॉफी में. चाय कॉफी में से किसी का भी मेरे को शौक नहीं था. मेरे को ना कैपेचिनो लाटे वगैरह ये सब, कैपेचिनो तो मेरे को बिल्कुल इतनी मतलब ठीक ठीक लगती है. मैं पीता हूँ तो लाटे पीता हूँ, और दूध वाली कॉफी पिए भी मेरे को मुद्दतें होगी जब मैंने अपने लिए ऑर्डर करके पियो. अब ये पोर ओवर आप लोग पीछे व्लॉग में भी बहुत देखे होंगे, पोर ओवर पोर ओवर पोर ओवर. अब मेरे को पोर ओवर पीने से ज्यादा ना पोर ओवर बनाने का शौक हो गया. बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको V60 फनल टाइप सा बोलते हैं. इसके अंदर फिल्टर पेपर लगाऊंगा, टिप 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 करके कॉफी गिरेगी. कॉफी इसके अंदर पहले डालूंगा, नीचे ग्लास में इकट्ठा करूंगा, थोड़ी बर्फ डालूंगा, आइस्ड पोर ओवर बन जाएगी. टोटल बनाने में 5-7 मिनट लगते हैं, मैनुअल ब्रू टेक्निक बोलते हैं. और क्या ब्यूटीफुल कॉफी बनती है, ब्यूटीफुल. अब एक मिनट हो गया है, कुछ 2.5 से 3 मिनट इसको मैं ब्रू करता हूँ. सेकेंड एक्सट्रैक्शन इसकी हो रही है, एंड देन फिर इसके अंदर बर्फ डालेंगे. थोड़ी सी बर्फ नीचे डाल देता हूँ ताकि कॉफी एकदम बॉइलिंग हॉट होती है ना वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और फिर बाकी बर्फ ताकि कॉफी थोड़ी सी ठंडी हो जाए. ये सारा जो है फिल्टर पेपर पे इसका जो क्रेमा है या ऑयल्स हैं वो सब आ रहे हैं ताकि कॉफी एकदम स्मूथ आती है.